श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर यूं ही बनी रहे। प्रिय बंधु जनों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। प्रिय बंधुजनों, वीडियो लेकर के आने का उद्देश्य तभी सफल हो पाता है अगर वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति जरूर हो। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2021 की पौष महीने की पूर्णिमा तिथि कब है। जी हाँ, पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको आज के इस एपिसोड में दूंगा और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा और कोई भी जानकारी आप मिस नहीं करोगे पूर्णिमा तिथि के बारे में अगर आप आज का यह पूरा एपिसोड देख लेते हैं। मेरे प्रिय बंधुजनों, अगर आपने अभी तक नए चैनल ज्योतिष मिराकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नए चैनल का लिंक दे दिया है। आप जल्दी से जल्दी उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि उस चैनल के ऊपर भी हम बहुत ही जल्द अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी विषय वस्तु आप सभी के लिए लेकर के आना प्रारंभ करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको बता रहा हूं कि साल 2021 की पौष की पूर्णिमा का व्रत कब है और मैं आपको पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने का समय, पूर्णिमा तिथि समाप्त होने का समय और पूर्णिमा से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में दूंगा। प्रिय बंधुजनों, पौष के महीने में शुक्ल पक्ष को जो पूर्णिमा तिथि आती है उसे पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस पूर्णिमा तिथि का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस पूर्णिमा के दिन सूर्य नारायण भगवान की आराधना करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसे बच्चे, ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब परिणाम दे रहा है तो इस पूर्णिमा के दिन सूर्य नारायण भगवान के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह क्रूर परिणाम दे रहे हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और जातक को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अब साइड में मैं यहाँ स्क्रीन पर डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ से आप अच्छी तरह से डिटेल नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि साल 2021 में पौष पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो साथियों, साल 2021 में पौष पूर्णिमा का व्रत 28 जनवरी गुरुवार के दिन किया जाएगा। जी हाँ, साइड में मैंने यहां पर शो कर दिया है, यहां से आप नोट कर लें। पौष पूर्णिमा व्रत 2021 28 जनवरी 2021 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। प्रिय बंधुजनों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने का समय होगा 28 जनवरी को सुबह 1:17 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 29 जनवरी को सुबह 12:45 पर, यानी कि 29 जनवरी को 12:45 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने स्क्रीन पर यहां शेयर कर दी है, इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। तो प्रिय बंधुजनों, ये तो थी पूर्णिमा के समय की जानकारी। अब बात करते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि का क्या महत्व है। प्रिय साथियों, इस पूर्णिमा के दिन सबसे पहला महत्व है सूर्य भगवान को अर्घ देना। अगर आप इस पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हो
उनका मंत्र जाप करते हो, सूर्य भगवान का जो है उनके बीज मंत्रों द्वारा उनकी पूजा करते हो, तो यह आपको अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। अब बात करते हैं अगले महत्व के बारे में। तो अगले महत्व के बारे में है स्नान। इस दिन पावन नदियों में जाकर के स्नान करना विशेष फलदायी होता है। अगर आप हरिद्वार, गंगा, उज्जैन कहीं पर भी जाकर के पावन नदियों पर स्नान करते हैं तो आपको अमोघ पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तीसरे नंबर पर आता है दान। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। अगर हम बात करें कि दान के रूप में क्या चीज दान करें, तो आप जरूरतमंद को कंबल का दान, भोजन का दान या वस्त्र का दान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस दिन सच्चे मन से दान करते हैं तो आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगले नंबर पर आता है सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भी इस दिन विशेष फलदायी होता है। अगर आप मोक्ष की कामना रखते हैं, सुख संपत्ति की कामना रखते हैं, तो पौष पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, उनकी कथा पढ़ें या उनकी कथा जरूर सुने, क्योंकि प्रिय बंधु जनों बिना कथा पढ़े या सुने व्रत का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए अगर आप भी नारायण भगवान की कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए, अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़िए या ब्राह्मण के मुख से आप कथा सुन भी सकते हैं। तो मेरे प्रिय बंधु जनों, इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया पौष पूर्णिमा का क्या महत्व है और इस दिन दान पुण्य करने से हमें किस किस फल की प्राप्ति हो सकती है। प्रिय साथियों, पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ के महीने का भी प्रारंभ हो जाता है। तो मेरे प्रिय बंधु जनों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज के इस एपिसोड में दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय बंधु जनों, अगर आप पहली बार पंडित निजी शास्त्री चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। मैं पंडित नीति शास्त्री आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।